हो सकता है, ट्रेन का टाइम फिक्स हो सकता है, अहमदाबाद से कलकत्ता जाने वाली हावड़ा एक्सप्रेस का टाइम फिक्स हो सकता है, मुंबई से लंदन जाने वाले प्लेन का टाइम फिक्स हो सकता है, लेकिन दो पेड़ की गाड़ी जो सबको दिए भगवान ने, 11 नंबर की गाड़ी जो थे उसका टाइम कोई फिक्स नहीं है, कब कहाँ किस घड़ी ऊपर चली जाए कोई ठिका नहीं। कई लोग हवाई जहाजों में घूमते घूमते हमेशा के लिए ऊपर ही चले जाते हैं, हार्ट अटैक, कई बार आता है इस बार बेटे पैक में हवा आकाश में उड़ रहे वही से ऊपर, और कई बार तो प्लेन भी एयर क्रैश हो जाते हैं, हजारों यात्री मर जाते हैं, ट्रेनें प्लेन से गिर जाती है, धरती कंप होते हैं, रात को सोते तो हमेशा सोते ही रह जाते हैं, सुनामी लहरों में कई लोग लहरों में समा जाते, कब किस घड़ी काल मेरे से मुझे कोई पता नहीं। ऋषि कुमार नदी के नाम खेल रहे थे, परीक्षक सिर्फ नंदी सुअर के पीछे शिकार किया है, प्राण सबको प्यारे होते, सुअर तो जंगल जा रही भोजन हो गया, राजा परीक्षित मार्ग भूल गए, भूख प्यास से व्यथित परीक्षित समित ऋषि के आश्रम में, ऋषि उस समय ध्यान मग्न थे, उसको प्यास लगी, चिल्लाता है मुझे प्यास, वो तो संत परमानंद में लीन थे, तन की सुधी में क्या थे जनकी कहाँ से, राजा को हुआ कि भूख प्यास जाकर राजा को हुआ कि धन करता, आदमी जिस समय खुद जिस अवस्था में होता है सामने वाले को ऐसा मानता है, खुद शरीर में होता है तो सामने वाले को शरीरधारी मानता है, खुद अशरीरी आत्मा में होता है तो सबको आत्मगत देखता है, इसलिए अपनी खोपड़ी की तराजू से सामने वालों को भी तोड़ना चाहिए। गुरु नानक मना करते हैं, ब्रह्मज्ञानी की जब ब्रह्मज्ञानी जाने अपनी खोपड़ी उधर मत लगाना, उनकी गत में तो वही ज्ञान है, तुम शरीर में जीते हो, शरीर से पार है, उनके लिए जगत मिथ्या है, तो ब्रह्म भाव में जीते हो, मेरी मम्मी की खोपड़ी में उनकी गति मुझे समझ में नहीं आई, कोई ना समझ निकल पड़ते ब्रह्म ज्ञानी संतों के लिए कुछ ना कुछ बकवास लिखते, फिर भोगते भी है घरों में डॉक्टरों के लिए लंबे लंबे छोड़ते, आकाश के सामने थूके और थूक लौट करते रहने पर हम तुम्हारा आज गुस्सा है परीक्षक को, श्रीमद भागवत में विस्तार से कथा है, उन्हें ढूंढ करता पाप में मरा हुआ सांप था, उठाकर ऋषि के गले में डाला, उस समय ऋषि कुमार नदी किनारे खेल रहे थे, प्यास लगी, आश्रम में आए देखा तो मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप, मेरे पिता का अभी भी ध्यान में है ना, निर्दोष को सता जिसने भी ये गुस्ताखी की है, मेरे पिता के गले में मरे हुए सांप को डाला है, सात दिनों में तब सब उसको बच लेगा और मैं को बात खेल गए, बच्चे को पता चला कि अब क्या होगा, ढंडेरा पिटवाया, सात दिनों में मुझे मेरी काया का कल्याण करना है, आज पाठ विशाल भारतवर्ष का सम्राट
जीवन की ओर दृष्टि डाली तो देखा तो हमने तो अभी तक कुछ तैयारी की नहीं है परलोक संवारने की। अब मेरा क्या होगा? जो व्यक्ति ऐसा नहीं सोचता है कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मैंने मनुष्य कल पाया, परमात्मा ने कबहुक करी करुणा नर तन देही, 200 करोड़ वर्ष बीतते हैं तब परमात्मा को करुणा उत्पन्न हो तो मनुष्य तन देता है, अपने जैसा शरीर देता है, तो फिर मैंने प्रभु से ये तोहफा पाकर इस तोहफे का अपमान तो नहीं किया, सोचना चाहिए। मनुष्य जन्म में ईश्वर प्राप्ति नहीं करूंगा तो क्या घोड़े घंटे के आकार में प्राप्त करूंगा? कुत्ते बिल्ले के शरीर में जाकर मैं ईश्वर प्राप्ति करूंगा? सोचना चाहिए। घोड़े को मंदिर में जाने की अनुमति नहीं। सूकर कोकर ऊंट खर, तुलसीदास जी कहते सुकर कुकर ऊट खर बर पशुवन में चार। सुकर यानी सुवर, सुवर बोलते नहीं थे, सुवर बटर की नाली में पड़ा जाता है। लोगों ने जो गंदगी की गटरों का पेड़ बाथरूम का पेशाब पानी जो उधर गया तो सुवर के लिए पेप्सी है। कहीं असलम एरिया में लोगों ने रात का खाया पिया मसाला छोड़ा है, सुअर के लिए वो लंच है, ब्रेकफास्ट है, डिनर है। दोपहर वाले ने जो गंदगी छोड़ी वो सुअर खाता है। सुकर कुकर कुकर यानी कुत्ता, सुकर कुकर वो खड़े हैं गधा। तुलसीदास जी कहते सुकर कुकर ऊंट खर बर पशुअन में चार, तुलसी हरि के भजन दिन वैसे ही सब नर नार सियावर राम चंद्र। हरि के भजन बिना सब ऐसे है, दिखते हैं आकृति मनुष्य की, लेकिन तैयारी कर रहे मनुष्य तो से पशु तो की ओर यात्रा करने की। परीक्षित को हुआ कि अब मैं क्या करूं? 7 दिन में मेरी मृत्यु, मेरा विकल्प है कि 7 दिनों में कोई मेरी मुक्ति काम करे। कथा वार्ता करना अलग बात होती है, भजन पीट लेना गा लेना हो भी अलग बात होती है, मंजिल ठोक लेना वो अलग बात होती है, लेकिन मुक्ति दान करना ये मेरे मेरे मृत्यु का काम है। कोई तैयार नहीं हुआ, ये सम्राट है, मुक्ति में भी तो कुछ हो सकता है, फांसी चढ़ा ब्रह्मज्ञानी संत के सिवा और किसी को उसका काम नहीं। बात फैलते फैलते सुखदेव जी मुनि तक पहुंची। सुखदेव जी मुनि ने सोचा कि ये साधारण जीवन उत्तरा के गर्भ में था, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, तो भगवान कृष्ण की कृपा से इसको जीवित ज्ञान मिला। गर्भ में भगवत कृपा पाई सुखदेव जी ने परीक्षित के पास। परीक्षित सुवर्ण के सिंहासन से उठकर सुखदेव जी ने उनको देखा, अर्घ पाद से पूजन करते गुरुवर काल मेरे सिर को, न ये राजपाट मेरे साथ अब चलेगा, न ये रानियां चलेगी, न सुंदरियां चलेगी, न तिजोरियां चलेगी, काल सिर पर खड़ा आप मेरी रक्षा करो। कोई भरोसा नहीं है कि कब भी एंड हो जाए। शम्मा बुझ जाती है जलते जलते।